धरती पर हमेशा उल्का पिंडों के टकराने का खतरा मंडराता रहता है। अगर ऐसा होता है तो भारी जान और माल की हानि हो सकती है। हो सकता है कि पृथ्वी से मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए। ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए नासा लंबे समय से काम कर रहा है। अब यह प्रोजेक्ट नासा के एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दिया गया है। स्पेस एक्स अब अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड को नष्ट करेगा जो लगातार पृथ्वी के लिए खतरा बना हुआ है। यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 68 लाख मील दूर है। इस बात की जानकारी देते हुए नासा ने बताया कि इस मिशन का नाम डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट रखा गया है। मिशन डार्ट जून 2021 में शुरू होगा, जिसके तहत कैलिफोर्निया के वॉन्डेनबर्ग एयरफोर्स बेस कैंप से फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट के साथ एक स्पेस क्राफ्ट होगा जो एस्ट्रॉयड तक अपनी पहुंच बनाएगा। यह एस्ट्रॉयड तक 2022 अक्टूबर तक अपनी पहुंच बनाएगा। एस्ट्रॉयड पर करीब 800 मीटर दूर से निशाना लगाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि एस्ट्रॉयड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। इसको नष्ट करने के लिए काइनेटिक इम्पैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका रास्ता बदल दिया जाएगा। इसका रास्ता बदलने के लिए स्पेस क्राफ्ट इसमें क्रैश किया जाएगा। इस टक्कर के दौरान स्पेस क्राफ्ट की स्पीड करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी। इस टक्कर से एस्ट्रॉयड के चारों तरफ घूम रहे इस मूनलेट की स्पीड अपने ऑर्बिट में बदल जाएगी, जिससे खतरा टल जाएगा। नासा इस मिशन के लिए स्पेस एक्स को करीब 477 करोड़ रुपए देगी। इसके लिए नासा और स्पेस एक्स के बीच करार हुआ है। ये नासा का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि ऐसा करने के बाद आने वाले खतरों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है।